उत्पत्ति अध्याय 30 कुल पद 43। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वो अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी लौंडी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जा, वो मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तो उसने उसे अपनी लौंडी बिल्हा को दिया कि वो उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। और राहेल की लौंडी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्ल युद्ध किया और अब जीत गई, सो उसने उसका नाम नप्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि मैं और संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हूं, तब उसने अपनी लौंडी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया। और लिया की लौंडी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य, सो उसने उसका नाम गाद रखा। फिर लिया की लौंडी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूं, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी, सो उसने उसका नाम आशेर रखा। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूदा फल मिले और वो उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूदा फलों में से कुछ मुझे दे। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है सो क्या छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूदा फल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूदा फलों के बदले वो आज रात को तेरे संग सोएगा। सो सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूदा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया। तब वो उस रात को उसी के संग सोया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी, सो वो गर्भवती हुई और याकूब से उसके पांचवा पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी लौंडी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है, सो उसने उसका नाम इस्साकार रखा। और लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसके छठवां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे छह पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं, सो उसने उसका नाम जबुलून रखा। तत्पश्चात उसके एक बेटी भी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, सो वो गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सो उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया है। सो उसने ये कहकर उसका नाम यूसुफ रखा कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे लड़के बाले जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता दे कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे, मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे तो आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। उसने फिर कहा,
मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना दे। यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली या चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी या चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा, और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई न चित्ती वाली न चितकबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, सो यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेंगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। सो उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चित्ती वाली और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था उनको, और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया। सो याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। और याकूब ने चनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। और तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौतों में खड़ा किया। और जब वे पानी पीने के लिए आईं, तब गाभिन हो गईं। और छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया, और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया, और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा, और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने ना दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी, तब तब याकूब उन छड़ियों को कठौतों में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाएं। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी, तब वो उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल निर्बल लाबान की रही और बलवंत बलवंत याकूब की हो गई। सो वो पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया, और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और लौंडियां और दास और ऊंट और गधे हो गए।